हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं कक्षा 11th में स्टडी कर रहे हैं, आपका यहाँ पर मासिक परीक्षा जो लिया जा रहा है वो मई का मासिक परीक्षा आपका 30 मई को आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है, यानी भौतिक शास्त्र का आपका परीक्षा होने वाला है। तो आपके लिए यहाँ पर 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा, आपका परीक्षा में काफ़ी ही हेल्प मिल जाएगा। समय जो रहेगा आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा और पूर्णांक जो रहेगा वो 50 मार्क्स का पूर्णांक रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका पूरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है बाबू, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर देखिएगा कि पानी का त्रिक बिंदु होता है। क्या पूछा गया आपसे कि पानी का जो त्रिक बिंदु होता है वो कितना होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 73.16 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह तापमान जिनका यानी कि आंकिक मान सेल्सियस और फारेन यानी कि फॉरेन हाइट पैमाने पर समान होता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यानी कि उसका सेल्सियस और फॉरेन हाइट यानी कि यहाँ पर पैमाने पर समान होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर, तो -40 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -40 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तांबे के प्लेट के बीच में एक छेद है, प्लेट को गर्म करने पर छेद का व्यास क्या होगा। देखिएगा तांबे के प्लेट में प्लेट के बीच एक क्या है, छेद है, और प्लेट को जब गर्म करने पर छेद का व्यास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको बताना है। व्यास जो हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सदैव बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका ये फिजिक्स का पेपर है जो कि आपका 30 मई का, ठीक है, आपका 30 मई का जो प्रथम पाली में एग्जाम लिया जाएगा वो फिजिक्स का, यही सब पेपर में आपको रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानी का उपयोग यानी शीतलक के रूप में किया जाता है क्योंकि, पानी का उपयोग जो है शीतलक के रूप में किया जाता है क्योंकि, बाबू यहाँ पर याद रखिएगा क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है, विशिष्ट इसकी विशिष्ट जो ऊष्मा होती है ना वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तरल अवस्था में गुजरे बिना ठोस अवस्था में बाष्प अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, वो क्या कहला जाता है, तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर क्या है बाबू, ऊर्ध्वपातन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी कि संचारित करने में माध्यम की आवश्यकता निम्न में से कौन सी है, तो यहाँ पर बताना है आपको 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका संचरण भी हो जाएगा और आपका संवहन भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मिट्टी का घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होता है क्योंकि, क्यों होता है बाबू, आपको बताना है कि मिट्टी का जो घर होता है वो ठंडे में क्या होता है, यानी कि गर्मियों में क्या होता है, ठंडे होता है, और ठंडे में यानी कि सर्दियों में क्या होता है, गर्म होता है, क्यों होता है, तो क्योंकि इसका जो है क्या होता है बाबू, क्योंकि कुचालक है। क्या है बाबू ये जो ना, क्या है आपका, कुचालक है, मिट्टी क्या है, एक कुचालक है, तो इसी कारण जो है ठंडा रहता है गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको देखना है, 8 नंबर क्वेश्चन, किसी गर्म वस्तु से, ठीक है, किसी गर्म वस्तु से निकलने वाला तापीय विकिरण किस वेग से चलता है, तो कौन सा वेग से चलता है, तो बिल्कुल रखिएगा 3×10^8 मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऊष्मा गतिकी का शून्यवा, ठीक है, शून्यवा नियम किस अवधारणा को आगे बढ़ाता है, किसको आगे बढ़ाता है, तो याद रखिएगा तापमान को आगे बढ़ाता है, यानी टेम्परेचर को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करते, देखिए आदर्श गैस जो होता है ना उसका आण्विक जो है वो ऊर्जा निर्भर करते हैं हमेशा टेम्परेचर पर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रुद्रोष्म, ठीक है, रुद्रोष्म परिवर्तन यानी कि परिवर्तन में गैस के दिए गए द्रव्यमान, गैस के लिए दाब और आयतन किस नियम के अनुसार परिवर्तित होता है, किस नियम के साथ परिवर्तित होता है बाबू, तो याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको जो है ना पढ़ाई के तौर पर नहीं आंसर की के जरिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा, ताकि आपको सभी का जो है ना क्वेश्चन याद हो जाए और परीक्षा में आप लोग ये सब आंसर कर पाएँ प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, एक कानो इंजन भाप बिंदु और बर्फ बिंदु के बीच का काम कर रहा था, इसकी क्षमता दर क्या हो जाएगा, इसका क्षमता जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा बाबू, तो याद रखिएगा यहाँ पर 26.8 जो है ना प्रतिशत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25% दक्षता वाला एक रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक होगा कितना होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ताप इंजन का दक्षता n है, यदि स्रोत और सिंक में प्रत्येक तापमान 100 केल्विन से कम किया जाता है तो इंजन की जो है ना
दक्षता क्या होगा, तो 14 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मगतीय निर्देशांक नहीं है, ऊष्मा यानी कि ऊष्मगतीय जो है ना निर्देशांक नहीं है। 15 का सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, गैस स्थिरांक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेयर का सूत्र है, मेयर का सूत्र क्या होगा बाबू, मेयर का सूत्र जो होता है सी पी माइनस सी वी बराबर आर होता है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यदि कोई आदर्श गैस किसी आरंभिक अवस्था में यानी अंतिम अवस्था पर समतापीय प्रक्रिया यानी कि प्रतिक्रिया गुजरती है, तो इस प्रक्रिया के दौरान आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो क्या हो जाएगा इसका। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यू बराबर जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसमें गति की, ठीक है, उसमें गति के प्रथम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, तो 18 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तारे का रंग संकेत है, इसके तारे का जो रंग है उसका संकेत जो है वो क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल याद रखिएगा 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ताप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी निकाय में आयतन का संकुचन होता है, यदि किसी निकाय में आयतन का जो संकुचन होता है ना वो आपका ऋणात्मक होता है यानी नेगेटिव होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तापमान का ऐसी मात्रा क्या होता है, देखिए तापमान का ऐसा मात्रक सभी को पता होगा केल्विन होता है, ठीक है, जिसको के से सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताप क्षमता किन दो गुणनफल है, ताप क्षमता जो ना किन दो गुणनफल है बाबू, तो 22 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तापीय संतुलन का तात्पर्य जिसकी समानता है, जिसके समानता क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा तापमान हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चलिए बताते हैं पेपर का जो है बिल्कुल 100% ओरिजिनल का आंसर की जो है ना वो कहाँ पर अपडेट होता है, इसके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में क्या काम करेंगे, गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च क्या करेंगे आप लोग, जस्टवेल एजुकेशन सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे ही सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा कक्षा 11 का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, तो कक्षा 11 पे आप लोग को क्लिक कर देना बाबू, ठीक है। जैसे ही कक्षा 11 पे आप लोग क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है, यहाँ पर मंथली एग्जाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको अपडेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग मंथली एग्जाम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी का एग्जाम का यहाँ पर लिया गया, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा, अपडेट हो जाएगा कुछ ही देर में। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गैस का तापमापी तरल तापमापी से अधिक सुग्राही होता है, क्यों होता है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि विस्तार गुणांक अधिक होता है इसके कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का तापीय विस्तार गुणांक निम्नलिखित में से किस गुण पर निर्भर करता है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब पानी 0 डिग्री से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो इसका आयतन जो हो जाएगा ना बिल्कुल पहले से घट जाएगा फिर बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, झील के ऊपरी सतह पर वायुमंडलीय का तापमान -10 सेल्सियस पर जमा हुआ था, इस समय झील के तल पर जो है ना क्या हो जाएगा इसका टेम्परेचर, तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्क्रमणीय है, कौन सा घटना उत्क्रमणीय है बाबू, तो बिल्कुल हाथ की रगड़ और ऊष्मा को उत्पन्न, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किसी ऊष्मा भंडार में जब एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा निकलती है तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, तो 29 का सही जो आंसर हो जाएगा वो स्थिर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका बीमा ऊष्मा का बीमा के समान होता है, तो बिल्कुल 30 का सही आंसर हो जाएगा, कार यानी वर्क का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग ये सभी को नोट कर लेना है, ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ लेना है ताकि ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में रहने वाला है, ठीक है, आप लोग देख लें। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में।